गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ द प्रोडक्ट्स विच आर टॉप रिव्यूड एंड इधर सजेस्टेड बाय टू मेनी ब्लॉगर्स और बहुत ज़्यादा फेमस है एंड आप रिपीटेडली उनके बारे में सुनते रहते हैं। सो या टुडेज़ वीडियो विल बी ऑल अबाउट दैट एंड जो टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट हैं, मैं नायका साइड की बात कर रही हूँ। नायका पे काफ़ी ज़्यादा रिव्यू मिले इन प्रोडक्ट्स को। सो या इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको कौन सा प्रोडक्ट नायका से खरीदना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट स्किप करना चाहिए, विच इज़ नो नो। एंड ऑब्वियसली टॉप रिव्यूड है, बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया है, तो ये वीडियो सक्सेसफुल भी हो सकता है और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल भी अच्छे वर्क नहीं करे होंगे मुझ पर। सो या आई थिंक विदाउट फर्दर अडू, इंट्रो को लंबा करे बिना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रो लंबा कर देती हूँ, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले आप को अगर मेरा ये फेस पसंद आ रहा है एंड इफ़ यू आर लुकिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम नहीं भी देख रहे हैं और आप अगर आपने अब तक सब्सक्राइब बटन हिट नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब हिट कर दीजिए, बिकॉज आपने अगर मेरे को पहले से देखा रहेगा तो अगर आपको मैं पसंद आ रही हूँ थोड़ी बहुत तो ही सब्सक्राइब हिट करिए, और अगर मैं नहीं पसंद आ रही हूँ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के बाजू में एक छोटी सी बेल आइकन भी रहेगा, आप उसे हिट कर देंगे तो आपको पता चलेगा जब भी मैं नए वीडियोज़ अपलोड करूँगी। I think without further ado, let's get started. So guys, before we start makeup, मैंने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया है मॉइस्चराइजर से। मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाया है एंड दिस इज लुकिंग वेरी वेरी हाइड्रेटेड। नाउ द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट विच आई एम गोइंग टू ट्राई इट हियर इज बाय नायका। सो गाइस, मैं ये नायका का प्रोडक्ट अप्लाई करने वाली हूँ एंड दिस इज़ बेस्ट रिव्यूड। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस बारे में बात करी हुई है एंड इसलिए मैंने इसे नायका से परचेज़ किया था। ये नायका के इन हाउस ब्रांड का ही प्रोडक्ट है एंड दिस इज़ देयर फेस प्राइमर। नाउ लेट्स टेस्ट इट वेदर दिस एक्चुअली वर्क्स और नॉट। बिफोर वी गेट इन टू टेस्टिंग, आई डू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन, मतलब मेरा टी जोन ऑयली हो जाता है और मेरा यू नो नॉर्मल फेस ड्राई रहता है। सो I've taken this amount, थोड़ा सा मैंने लिया हुआ है एंड थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया शायद, और मैं इसे उस जगह पर अप्लाई करूँगी जहाँ पर मुझे यूजली पोर्स हैं। सो इट्स नियर माई नोज एंड मैं इसे फिल इन करूँगी स्मूदन आउट करने के लिए अपनी स्किन। सो गाइज, आई डोंट नो इफ यू कुड मेक आउट द डिफरेंस, बट मैंने इसे यहाँ पे लगाया और ओ माय गॉड, माय स्किन लुक सो स्मूथ दिस साइड एंड दिस साइड इट डजंट लुक दैट स्मूथ। आई डोंट नो इफ यू कुड फिगर आउट द डिफरेंस, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है, एकदम मैट लग रही है एंड दिस साइड लुक्स एक्चुअली सो स्मूथ एंड गुड। इसने मेरे पोर्स को एकदम अच्छे से फिल इन कर दिया है। सेम वे आई विल अप्लाई इट हियर। गाइज, ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्राइमर, सो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर इट इफ़ यू वॉन्ट दैट स्मूथ फिनिश। और इट्स गाइज, नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम गोइंग विद दिस स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ओ माई गॉड, इफ़ यू फॉलो लॉट ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल्स यू गाइज वुड नो कि ये वाला पर्टिकुलर कंसीलर हर कोई रिकमेंड करता है। मैंने नायका से मंगाया था बट मेरा थोड़ा शेड डार्क आ गया है। आई एम इन दिस शेड वॉर्म सैंड, दिस इज़ अ बिट डार्कर, सो आई यूज़ इट एज अ करेक्टर बिकॉज ये थोड़ा हल्का सा येलो अंडरटोन में है, जो कि मुझे लगता है कि मेरे डार्क स्पॉट्स वगैरह छुपाने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। सो मैं इसे अप्लाई करूँगी जहाँ पर भी मुझे डार्कनेस है। I don't know, in the camera it is not looking like that, but ये mustard yellow और थोड़ा orange shade है। So अब मैं एक brush लेकर इसे अच्छे से blend कर लूँगी। Wow, so guys, blend होने में तो मतलब इसका कोई जवाब नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से blend हो रहा है। Oh my god, इसने almost blur out कर दिया है जो मेरा mark था उसे। वाओ, क्वाइट इम्प्रेसिव गाइज, मतलब ये बहुत ही अच्छा है टू द प्राइस यू आर पेइंग ओनली 199 एंड दिस इज अमेजिंग। इसको ब्लेंड करने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। गाइज, दिस पर्टिकुलर कंसीलर इज मस्ट बाय एंड
wow yaar matlab I just can't take my eyes off and you're so close to me you can also see kitna achhi tarah se dewy finish aaya hai isko laga ke aur kafi achhi tarah se blend ho gaya but you need to find your own shade online shade पिक अप करना बहुत मुश्किल होता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी स्किन पे क्या शेड जाएगा सो ये काफी ज्यादा डार्क हो गया है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट व्हिच इज आवर फाउंडेशन सो गाइस फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल इनफेलिबल फाउंडेशन एंड इसके बारे में भी बहुत सारे ब्लॉगर्स ने बात करी हुई है एंड दिस इज द हाईली रिव्यूड प्रोडक्ट ऑन नायका सो मैंने सोचा कि एक बार मैं इसे भी ट्राई करती हूँ सो आई एम इन द शेड 106 सन बेश और इसे मैं अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पे एंड इसे मैं ब्लेंड करूंगी एक पफिंग ब्रश की हेल्प से सो दिस पर्टिकुलर फाउंडेशन क्लेम्स दैट इट कवर्स ऑल योर स्पॉट्स दिस इज यू नो डेमी मैट फिनिश फाउंडेशन और सब लोग बोलते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा है लॉन्ग लास्टिंग है आपके मार्क्स को सब कवर कर देगा आपकी स्किन पे एकदम फ्लॉलेसली ब्लेंड करता है गाइस इसका फिनिश इतना ब्यूटीफुल है और मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कोट लगाया और एक कोट पे यू गाइस कैन सी द डिफरेंस आई मीन पूरा फ्लॉलेसली कवर कर लिया ये वाला एरिया मैंने छोड़ा हुआ है दैट्स बिकॉज मैं यहाँ पे हाइलाइटिंग कंसीलर लगाऊंगी बट डेफिनेटली दिस इज अ विन विन फाउंडेशन यू शुड डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस आउट बिकॉज दिस प्रोडक्ट इज बॉम्ब मैंने सेल से खरीदा है तो मुझे ये 450 रुपीज का पड़ा है यूजुअली इसका MRP 750 रुपीज का है बट ये काम बहुत अच्छा करता है एकदम हल्की सी ड्यूनेस भी है मैट भी है ऑयली स्किन को भी सूट करेगा ड्राई स्किन को भी सूट करेगा तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया एंड हाईलाइटिंग कंसीलर के लिए मेरे पास है यहाँ पे NYX HD स्टूडियो फोटोजेनिक कंसीलर एंड ये कंसीलर के बारे में मैंने बहुत सारे रिव्यूज सुने हुए हैं सारे पॉजिटिव हैं एंड आई हैव सीन नायका पे भी काफी हाईली रिव्यूड प्रोडक्ट था ये सो या लेट्स ट्राई दिस कंसीलर आउट आप अगर मुझे पहले से फॉलो करें तो आपने देखा रहेगा मेरे पहले भी वीडियोस में ये वाले कंसीलर एंड मैं ज्यादातर इसे हाईलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ तो डेफिनेटली आई ऑलरेडी हैव एन रिव्यू ऑन दैट कि आप इसे यूज कर सकते हैं क्योंकि सच में बहुत अमेजिंग वर्क करता है बहुत अच्छे से कंसील करता है और बिल्कुल भी केकी नहीं है सो इफ यू आर लुकिंग फॉर हाइलाइटिंग कंसीलर यू शुड गो फॉर दिस आई एम इन द शेड CW06 ऑलराइट सो गाइस एज यू कैन सी कितना ब्यूटिफुली ब्लेंड हुआ है आई रियली लव इट मुझे बहुत मजा आता है जब भी कुछ ऐसा होता है ना एंड यू कैन ऑलरेडी मेक आउट माई फेस हाउ स्वीट इज लुकिंग हाउ ब्यूटिफुल फेस इज लुकिंग आई कैन स्टॉप सीइंग मिसेस ओके ज्यादा हो रहा है एनी वेज कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज सेटिंग पाउडर एंड अगेन ये मोस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट है दिस इज बाय मेबेलिन फिट मी काफी लोग इस बारे में बात करते हैं काफी लोग एंड इट फोर्स्ड मी टू गेट माय हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सो चलिए ट्राई करते हैं ये वाला जो मैंने मंगाया है अभी नायका पे शेड्स तो पता नहीं होते हैं तो मुझे हाइलाइटिंग लूज पाउडर चाहिए था बट मेरे को यहाँ पे मिल गया मेरे शेड का जो कि हाइलाइटिंग नहीं है एंड दिस इज द शेड मीडियम डीप तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मेरे स्किन टोन का ही है तो मुझे हाइलाइटिंग चाहिए था एनीवेज बट ठीक है तो मैं यहाँ पे लूंगी और इसे सेट करूंगी अपने आईज को एंड नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव इट फ्रॉम अ ब्रश आई रियली लव इट गाइस मेरा फेस कितना ड्यूई लग रहा था ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ज्यादा पून है लेकिन आई रियली लव इट सो गाइस ब्राउज के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और मैंने यहाँ पे पिकअप किया है बाय पैक बिकॉज पैक सारे हाई एंड ब्रांड्स का ड्यूप बनाता है और मेरे को ट्राई करना था कि ये पैक जो नायका पे काफ़ी ज़्यादा हाईली रिव्यूड है सो ये कैसे वर्क करता है सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस आउट आई एम इन द शेड 02 सीडर क्रेम सो पहले मैं अपने आईब्राउज को ब्रश अप कर लूँगी एंड देन वी विल गोना यूज इट सो गाइज मैंने यहाँ पे लिया है एंगुलर ब्रश और देखते हैं दिस इज हाउ इट लुक्स सो गाइज दिस इज सो मच पिगमेंटेड मेक श्योर कि आप इसे ग्रुप से नहीं घुसा दें अदरवाइज ये गड्ढा जो दिख रहा है वैसा हो जाएगा
तो यू हैव टू टेक लिटिल बिट, एकदम ऐसे डर डर के टच करिए और यू विल पिक अप द प्रोडक्ट हियर. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई ब्राउज. ओ माई गॉड, डिड यू गाइस सी कितना ज्यादा पिगमेंटेड है ये. Alright. Guys, this product is damn pigmented and make sure कि आप ऐसे खोल के नहीं रखें मेरी तरह, इसे बंद करके रखें, otherwise ये product बहुत जल्दी dry out हो जाते हैं. And let me draw my brows first. So guys, can you see that brow difference? I would say ये beginners के लिए इतना अच्छा नहीं है because ये बहुत ज़्यादा pigmented है. And if you don't have that, you know, hands की एकदम अच्छे से draw कर लो, it would be difficult for you. So I would rather prefer कि आप pencils जो available हैं उसके लिए जाएँ instead of this kind of pomade. क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा stable hand की ज़रूरत है and if you don't have, you should not go for it. So guys, I'm done with my brows and oh my god, these guys are looking so thick. Anyways guys, moving on to the eye product now. और eye product के लिए मेरे पास जो best seller है that is this one by Wet n Wild. और इसके लिए मतलब किसने बात नहीं किया है, मैंने अभी तक जितने लोगों को देखा है उतने लोगों ने इस product के बारे में बात किया है. And this has really amazing shades. अब इसको देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं मेरी आंखों पे. फिर लूँगी ये वाला बनाना शेड और इससे अपने आईज को सेट कर लूँगी. और राइट गाइस, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी दिस ब्राउन शेड एंड इसे यूज़ करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड. बेस्ट ये है कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि दैट दिस एंड दीज आर दी ट्रांजिशन कलर्स. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है स्पेशली फॉर बिगनर्स, दोज हु डोंट नो. आप पिगमेंटेशन की बात करें, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन है इनमें, पाउडरी है थोड़े से, बट दैट इज़ ओके. फॉल आउट काफ़ी होगा नो डाउट बिकॉज पाउडरी है, लेकिन दिस ब्लेंड्स ब्यूटिफुली. हाँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैंने पहले यूज़ कर लिया ये पैलेट, तो दिस ब्लेंड्स एक्चुअली ब्यूटिफुली. और मैं इसे अप्लाई करूँगी अब एज अ ट्रांजिशन शेड. लुक, 1, 2, 3 स्वाइप्स पे यू कैन मेक आउट द डिफरेंस. काफ़ी अच्छा पे ऑफ है कलर्स का, नो डाउट. सो गाइज, यहाँ पे मैं लूँगी ये वाला डार्क शेड, एकदम डार्क ब्राउन है, डस्ट ऑफ करूंगी और अपने आउटर वी पे प्लेस करूंगी. वाओ गाइस, आई रियली रियली लव द पिगमेंटेशन. गाइज, इस पैलेट में सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ मिरर. इसमें मिरर नहीं है, प्लास्टिक थोड़ी सी चीप है, बट दैट इज़ ओके. यू आर गेटिंग सच गुड कलर्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस. और बस मुझे मिरर की कमी लग रही है बिकॉज अगर ऐसा होता तो मैं फटफट देख के कर लेती, बट दैट इज़ फाइन. हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है. मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड जो प्लेस किया है, अब मैं यहाँ पे हल्का सा क्लीन ऑफ करूँगी मेरे लिप्स को बिकॉज आई नीड वेरी न्यूट्रल लुक. और इस पर्टिकुलर पैलेट से आप काफ़ी सारे लुक क्रिएट कर सकते हैं. सो गाइज, यहाँ पे मैंने कंसीलर प्लेस किया है, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी ये वाला गोल्डन शेड एंड इस एक ब्रश के हेल्प से यहाँ पे अप्लाई करूँगी. वाओ यार, यूजुअली गोल्डन शेड्स पिकअप नहीं होते ब्रशेस पे, इधर आपको ब्रश को डैम करना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा भिगाना पड़ता है या फिर आपको फिंगर से अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या पिगमेंटेशन है गाइज, अमेजिंग. सो गाइज, मैं अभी यहाँ पे ये वाले दोनों शेड को मिक्स करके लोअर लैश लाइन की तरह लगा लूँगी ताकि कुछ भी अलग अलग नहीं लगे और सिंक्रोनाइज लगे हमारा आई शेडो. गाइज, हम आई मेकअप कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहूँगी ग्लिटर इस वाले आई पे. एंड दिस इज़ बाय, गेस किया आपने,
ऑफ कोर्स दिस इज माय स्विस ब्यूटी, और स्विस ब्यूटी के ये ग्लिटर्स हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, लिक्विड आई शेडोज बहुत सस्ते हैं ये, आई गॉट इट फॉर 170 आई गेस, और काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे और मुझे यही कलर मिला है गोल्डन, सो या अभी इसलिए मेरे को गोल्डन मेकअप करना पड़ा बिकॉज मेरे पास कोई और शीट्स थी नहीं, और मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करूँगी लिक्विड ग्लिटर को एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट. I just love it. Alright guys, so next I am going to apply liner. और liner के लिए मैं यहाँ पे use कर रही हूँ Maybelline Colossal का liner, and I really love my eye makeup till now because जो भी मैंने products use करे हैं it turned out so good and amazing. So मैं यहाँ पे liner use कर रही हूँ Maybelline Colossal के liner के views बहुत अच्छे हैं because इसका काजल आता है और काजल काफ़ी काफ़ी अच्छा है, ज़्यादातर लोग use करते हैं. So मैं liner भी use करके देख रही हूँ how it is. तो मैं यहाँ पे विंग लाइनर ड्रॉ करूंगी एंड उससे पहले मुझे छोटा मिरर चाहिए बिकॉज आई कॉन्ट सी इतने बड़े मिरर में एंड देन ड्रॉ. Guys, I love the liner. It's so dark, it's jet black and this looks amazing. मैंने एकदम thick सा मोटा सा liner draw किया है and same liner मैं अपने दूसरे eye पे भी draw कर लूँगी. So guys, after applying liner, I will apply sugar का mascara because sugar के mascara के बारे में मैंने काफ़ी सुना और इस पर कभी भी discount नहीं होता है. So I just wanted to test if it really works or not. So चलिए देखते हैं शुगर का मस्कारा कैसा काम करता है. बहुत ज़्यादा लेंदन नहीं कर रहा है बट डेफिनेटली मेरा लॉरियल पैराडाइज का मस्कारे से ज़्यादा अच्छा काम करता है एंड ये एवरीडे सॉर्ट ऑफ यूज़ के लिए मैं कहूँगी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इतना ज़्यादा ये लेंदन नहीं कर रहा है लैशेस को. एंड आई नो यू गाइज कांट सी बिकॉज ऑब्वियसली लाइनर काफ़ी थिक लगा हुआ है बट मैं यहाँ पे क्लोजली देख सकती हूँ एंड मैं अभी कंपेयर नहीं कर पा रही हूँ विच वन इज़ बेटर. गाइस मुझे काफ़ी सारे कोट लगाने पड़े हैं एंड काफ़ी सारे कोट लगाने के बाद भी इतना कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं लग रहा है मुझे लैशेस में एंड आई थिंक जैसे आपके रेगुलर मस्काराज होते हैं ये वैसे ही वर्क कर रहा है. कुछ खास वंडर नहीं किया इसने मेरे लिए बट आई थिंक 800 इज एक्सपेंसिव एंड डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू बाई इट अगेन, लाइक 800 बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट प्रोडक्ट गाइस जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, दिस इज़ फिजिशियन फॉर्मूला का ब्रॉन्जर एंड ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है बट आई वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट. ओवरऑल पैकेजिंग डिज़ाइन बहुत अमेजिंग है और मुझे ट्राई करना है कि कैसे वर्क करता है. सो आई एम गोइंग टू टेक दिस एंड अप्लाई इट एज अ ब्रॉन्जर. इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है गाइस एंड इट वर्क्स ऑल्सो अमेजिंग. सो आप जैसे देख सकते हैं साफ साफ डिफरेंस दिख रहा है मेरे यू नो दोनों चीक्स में. सो दिस साइड लुक्स मोर चिजल्ड, थोड़ा सा ऐसे अपलिफ्टेड लग रहा है एंड ये वाला साइड एकदम फ्लैट लग रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस विच ब्रॉन्जर मेक्स. और जो मेरे फेस के डायमेंशन खो गए हैं मैं उन्हें वापस रिवाइव कर रही हूँ एंड आई रियली लव इट द वे इट इज़ वर्किंग ऑन माई स्किन. इट इज़ बटरी सॉफ्ट, एकदम बटर की तरह ये काम कर रहा है गाइस, नो डाउट दिस इज अमेजिंग. सो गाइस नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग शुगर की तरफ से व्हाट इज दैट. सो गाइस नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग मिनी ब्लश एंड दिस इज बाय शुगर. और शुगर के ब्लशेज और सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं तो मस्कारा मुझे इतना बॉम्ब नहीं लगा बट इट वॉज गुड, लाइक डिसेंट. जैसे नॉर्मल होता है तो आपको मेबलिन में 300 से 400 के बीच में मिल जाएगा बट मुझे 800 काफ़ी एक्सपेंसिव लगा. एंड दिस इज इन द शेड मॉक मावर 03. ये वाला ब्लश मैं अप्लाई करूँगी. दिस इज क्वाइट पिगमेंटेड, डस्ट ऑफ करना मत भूलिएगा वरना बहुत ज़्यादा लग जाएगा फेस पे. ऑलराइट सो गाइस नेक्स्ट अप आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर विच इज अगेन मोस्ट रिकमेंडेड, मोस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट, बेस्ट रिव्यूड प्रोडक्ट ऑन नायका एज वेल एज विद द ब्यूटी ब्लॉगर्स. दिस इज इन द शेड प्रीशियस पेटल्स एंड काफ़ी सुना है इस बारे में
और दिस इज़ बॉम, मैं आपको पहले ही बोल सकती हूँ, बहुत अमेजिंग है। सो गाइज मैं इसे थोड़ा सा लूँगी और थोड़ा सा नहीं, हाईलाइटर तो बहुत ज़्यादा लगाना चाहिए। और मैं यहाँ पे ऑलराइट, लुक एट दैट, इज़न्ट इट गॉर्जियस, वाओ। Now it's time to take a quick shower by Makeup Fixer and I'm gonna use Makeup Revolution का Pro Fix। ये काफ़ी ज़्यादा highly reviewed product था on Nykaa, so मैंने इसलिए से pick up करा है। So guys, now it's lipstick time और lipstick किसे पसंद नहीं होती, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। And I'm gonna use this sugar की mini liquid matte lipstick, इसके बड़े भी आते हैं, ये मुझे free में मिली थी Nykaa से और अच्छी बात है free में मिली है, क्योंकि test करना किसे पसंद नहीं है, अगर अच्छा हो texture देने ही जाके पैसे डालने चाहिए, because sugar की products are quite expensive। And I'm in the shade Dawn Form 12। मैंने इसका red shade apply करा है, that is bomb, इतना अच्छा texture है ना, इसे भी अप्लाई कर लेते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? बहुत अच्छा लगा ना मेरे को, सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने में बहुत मज़ा आया। कुछ मैंने पहले से यूज़ करे थे और कुछ अभी आपके सामने लेकर आई हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने देखा कि जब बहुत ज़्यादा डिमांड में हो प्रोडक्ट्स, तो मैंने इंक्लूड कर लिए इस वीडियो में। एंड आई होप आपको थोड़ी सी मदद मिली होगी, आप परचेस कर सकते हैं जो भी आपको पसंद आया रहेगा मेरी रिकमेंडेशन पे। और अगर आप परचेज करें तो उसका फोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम हैंडल ये है, तो आप मुझे वहाँ पे टैग कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ पर्सनली थोड़ा कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं काफ़ी सारे कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ वहाँ पे, सो डेफिनेटली यू कैन फॉलो मी देयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये लुक कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ। एंड आई थिंक इसी के साथ खत्म करती हूँ वीडियो और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।